समुदाय के लोग सबको मालूम होना चाहिए। देखिए भैया, हमको वोट की चिंता नहीं है, मर्जी जिसको आए उसको वोट कीजिए, लेकिन मेरा दायित्व तो है सबकी सेवा करना। लेकिन याद कर लीजिएगा, 15 साल राज लोग करते रहे, उसके पहले कांग्रेसी राज करते रहे, क्या दिया बिहार में अल्पसंख्यक समुदाय को, और जब हम लोगों को मौका मिला क्या किया, क्या हुआ था भागलपुर का दंगा, और उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, दंगाइयों की जांच करके फिर से पकड़वाया, सजा हुई, और उसके बाद लोगों को किस तरह से हम लोगों ने अनुदान दिया, एक एक काम करवाया। तो कौन सा काम नहीं कर रहे हैं, किस कम्युनिटी के लिए काम नहीं कर रहे हैं, अल्पसंख्यक समुदाय के लिए हम मदरसा शिक्षा सुदृढ़ीकरण क्या मिलता था, अब हम लोग मदरसों के उत्थान के लिए न सिर्फ टीचर को अब सैलरी दे रहे हैं जो अन्य टीचर के लिए है, लेकिन मदरसा को भी अगर उत्थान करना है तो उसके लिए भी पैसा देने के लिए मदरसा शिक्षा सुदृढ़ीकरण। इसके बाद वक्फ विकास योजना, हर जगह हर जिले में वक्फ के लोग जमीन देंगे, उनका बिल्डिंग बनेगा प्रत्येक जिला में, और अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय निर्माण हर जिले में, और शुरू हो गया, अभी जाकर के दरभंगा का हम शिलान्यास करके भी आए हैं, सबको पता है। तो एक एक काम, कौन सा काम नहीं दिया। और एक चीज जान लीजिए, शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, और ये जो अभी दरभंगा में हमने शिलान्यास किया उसकी लागत है 56 करोड़ 99 लाख, एक एक आवासीय विद्यालय हर जिले में बनवाएंगे लड़के और लड़कियों के लिए अल्पसंख्यक समुदाय का। तो कौन काम, जरा पहले का देख लीजिए, अब पहले का बजट का प्रोविजन देख लीजिए और अब का देख लीजिए। तो अगर इन सब बातों पर आपस में चर्चा नहीं करिएगा, समाज में प्रेम और भाईचारे का माहौल होना चाहिए, समाज के जो उपेक्षित तबके के लोग हैं उनके कल्याण के लिए हम लोग सब काम कर रहे हैं। और एक चीज आपको और बता देते हैं, केंद्र की योजना है, केंद्र सरकार की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, उनका निर्धारित कोटा है 37,962, और जो बच जाते हैं उसी मेरिट के लोग उनको राज्य सरकार दे रही है। इस साल 31,481 अल्पसंख्यक छात्र छात्राओं को, पिछले बार 40,047 छात्र छात्राओं को राज्य सरकार की तरफ से छात्रवृत्ति। तो देखिए, कहने को तो इतना ज्यादा है कि आप लोग और परेशान होइएगा, बहुत ज्यादा काम एक एक तरह से जो किया जा रहा है हर प्रकार से। अब किसान का क्या है, किसानों की आमदनी हम लोग बढ़ाना चाहते हैं, अभी हाल में हमने मीटिंग की है, उद्यमिता के माध्यम से भी उसकी सहायता करेंगे। हमारे यहां पर बैठे हुए हैं श्याम रजक जी भी, सबके साथ बातचीत करके हम लोग इसके बारे में जो राज्य की औद्योगिक नीति 2016 है उसमें सुधार करने जा रहे हैं। और आपको मालूम है अब बिजली का कनेक्शन भी दे रहे हैं किसानों को खेती के लिए भी, तो ये सब काम हम लोग कर रहे हैं। प्रोक्योरमेंट का काम चल रहा है, कहां होता था पहले प्रोक्योरमेंट, किसानों की जमीन कहां खरीदी जाती थी अधिप्राप्ति, किसानों की जमीन नहीं, ये धान या गेहूं कहां खरीदा जाता था, ये काम तो हम लोगों ने शुरू कराया। और इसके लिए जो काम हम लोगों ने शुरू कराया पैक्स के माध्यम से, ये आप सब लोग जानते हैं, और इस बार भी चल रहा है, शुरू में थोड़ा सा नमी के कारण कमी थी लेकिन अब फिर वो ठीक हो गया, और अब इस समय तक जो हमको कल तक का फिगर आया है उस समय तक पिछले वर्ष से भी ज्यादा हो चुका है प्रोक्योरमेंट, और ये सब काम किया जा रहा है, और इसके लिए हम लोग हर प्रकार की सुविधा दे रहे हैं।